साबूदाने की पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाने को 2 से 3 मिनट के लिए कढ़ाई में डालकर भून लेंगे। इसे ठंडा करने के बाद एक मिक्सी जार में इसे डालेंगे और इसका एक महीन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। इस पाउडर में हम उबले हुए 2 से 3 आलू मिक्स करेंगे और इसका बढ़िया सा डो तैयार कर। डो तैयार होने के बाद 10 से 15 मिनट इसे ढककर रख देंगे। उसके बाद इसकी एक बड़ी सी पूड़ी बेलकर तैयार कर लेंगे। पूड़ी साइड साइड में थोड़ी सी फट सकती है, पर कोई बात नहीं, आप किसी छोटी कटोरी की हेल्प से उसे काट कर पूड़ी शेप में निकाल लें। पूड़ी निकालने के बाद जो बाकी बचा एरिया रह जाएगा उसको हम दोबारा से बेलकर और फिर से उसकी पूड़ी तैयार कर लेंगे। इधर मैंने एक कढ़ाई में तेल डालकर उसे गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद फिर मैंने अपनी साबूदाने की जो पूड़ियाँ तैयार की थी उन्हें धीरे धीरे कर फ्राई कर लिया है। साबूदाने की पूड़ियाँ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और बनाने में भी बहुत इजी है। तो जब भी आपका व्रत हो तो ये इंस्टेंट साबूदाने की पूड़ी आप बनाकर खा सकते हैं। इसके लिए आपको साबूदाना भिगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इंतजार करने की जरूरत है। जब भी आपका मन हो तब इसे तुरंत बनाइए और खाइए। इस पूड़ी को आप किसी भी सब्जी के साथ या खीर के साथ या जिसके साथ आप चाहें उसके साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनती है ये साबूदाने की पूड़ी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।